हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो माँ ब्रह्मचारी के बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, हमने इस नवरात्रि सीरीज़ की दो वीडियो पहले ही बना रखी हैं, आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे कि माँ दुर्गा का एक दूसरा स्वरूप है जो भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देता है। सिद्धों से मेरा मतलब है कि जो सिद्ध पुरुष हैं, साधु संत लोग, वो इनकी उपासना, मतलब कि माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम, इन सभी की वृद्धि होती है। जीवन के संकट या फिर जो कठिन संघर्ष हैं, उन सभी में उनका मन अपने कर्तव्य पथ से विचलित ना हो, मतलब कि अपने लक्ष्य से भटके नहीं, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा हमेशा सिद्धि और विजय की प्राप्ति के लिए ही होती है। अब जैसे कि माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। नवरात्र के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। माता की साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए खासकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। माता ब्रह्मचारिणी किसका प्रतीक है? अब जैसे कि अभी तक हमने माता ब्रह्मचारिणी के बारे में जाना, लेकिन अब जानेंगे कि माता ब्रह्मचारिणी जो हैं वो किसका प्रतीक हैं। माता ब्रह्मचारिणी को सरल, शांत और सौम्य का प्रतीक माना गया है। माता अपने तप, त्याग और दृढ़ शक्ति के लिए जानी जाती हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है? जैसे कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। अब दोस्तों, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को पूजा जाता है। माता का ये स्वरूप ज्ञान, बुद्धि और विवेक का बल देने वाला माना जाता है। ये सभी ऐसी मान्यता हैं कि जो लोग अपने स्किल्स यानी कि अपने कौशल को बढ़ाने के लिए उनको इनकी पूजा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने स्किल्स और कौशल्य को बढ़ाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप माता ब्रह्मचारिणी के बारे में कुछ और भी अन्य फैक्ट जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली सही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।